एक नया SME IPO अभी मार्केट में दस्तक दे चुका है। इस IPO में हम एंजल स्पार्क एप्लीकेशन से कैसे बिड लगा सकते हैं, कैसे ऑर्डर लगा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ ही हम आज के इस वीडियो में इस IPO के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। तो इसके लिए हम एंजल स्पार्क एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ एक IPO का एक टैब देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे कि आपको यहाँ IPO दिखा है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो अभी हाल ही में जो आज IPO ओपन हुआ है, इसका नाम है अमान्य वेंचर लिमिटेड का SME IPO। यह एक SME IPO है, इसने आज पहला दिन है इसका, और पहले दिन में इसने 0.0x का सब्सक्रिप्शन दिया है। इस IPO में अप्लाई करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको हम देख लेते हैं। तो अमान्य वेंचर लिमिटेड SME IPO के ऊपर सिंपली एक क्लिक करना होता है। यहाँ आपको IPO के बारे में जानकारी देखने को मिलती है कि यह IPO का जो प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है, ये 23 रुपये पर इक्विटी शेयर्स का है, और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा ये 1,38,000 लगेगा सिंगल लॉट के लिए। अगर आप इसमें 1 लाख अप्लाई करते हैं तो इसमें 6,000 शेयर के लिए मिनिमम बोली लगानी होगी। और इस IPO में किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिलने वाला है। और IPO का जो साइज़ है, कंपनी इस IPO के माध्यम से 2,76,00,000 रुपये जुटाना चाहती है, क्योंकि SME IPO है और SME IPO बहुत ही छोटे कम IPOs होते हैं, और ये एक स्मॉल कैप से भी कम कंपनियां होती हैं। तो इन IPO में एप्लीकेशन लगाने से पहले हमें इस IPO के का फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेना चाहिए, तो उसके बाद ही हमें किसी भी इस तरह के IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये IPO की कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देख लेते हैं कि IPO 24 फरवरी 2023 से खुलेगा और 28 फरवरी 2023 को IPO बंद हो जाएगा। 3 मार्च को इस IPO का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा और 9 मार्च को इस IPO की लिस्टिंग हो जाएंगी। अब हम देखते हैं इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ एक बाई की बटन देखने को मिलेंगी, इस बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ एक टाइप करना होगा, क्योंकि 1 लॉट पे अगर हम एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं और 6,000 क्वान्टिटी में एप्लीकेशन लगाने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप करना होगा। इसका जो प्राइस बैंड है एज इट इज़ जैसा ही कि वैसा रहेगा। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टर में डिटेल टाइप करना है, आपका अकाउंट नंबर आए यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप जो भी UPI ID आप लेते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम पे, जो भी आप लेते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करना होगा और आपके सेविंग अकाउंट में 1,38,000 रुपये से ऊपर का बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका इस IPO में एप्लीकेशन लगा पाओगे। और जैसे आप अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके वेरीफाई UPI ID पे एक लिंक जाता है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा और अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा, और वहीं से आपके 1,38,000 आपके सेविंग अकाउंट से ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस IPO में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दोस्तों, एज अ डिस्क्लेमर आपको बताना चाहेंगे कि SME IPO रिस्की IPOs होते हैं, यह कंपनियां काफ़ी छोटी होती है। इन प्रकार के IPO में एप्लीकेशन लगाने से पहले आप इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें, उसी के बाद आप इस तरह के IPO में अप्लाई करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।